पाती। अरे बाप रे, अरे चमेलवा रंडी हर जाई। मैं तो तुझे कभी सौतेली नहीं समझा, सगी माँ की तरह तुझे प्यार मोहब्बत सम्मान मान सम्मान सब दिया, और आज मेरे न रहने पर मेरे बच्चे को तू जान से मारना चाहती है। नहीं रंडी, का हमेशा चलात रहा था। अरे चलाई वाली बतिया यहाँ बउरा ये बरंडी। के का कहता है, हमका कहता है, का हो तो का ना जादा ही तोरे ससुजा कहता ही। अब वो का कह दिन जो उनका मार कहत हमारे बड़वा के हर दे के मारत बा। के कहे तो का मार तू भमवा का और के कहत बा। तो हो लड़का के बातें में आए कूड़ा तहत हरो पंखा जामा है, फालतू बात कर। अरे बाप रे, हमार मेहरारू हमार कहो कदर नाई, हमारे बाप के बिल्कुल पसंगा समझता। ए तू भम आया बताओ अपने महतारी के हमार तले बिल्कुल लगता ही नहीं। बताओ अम्मी का रे का घरे माग लगाओ तहत है। ए हमारे लड़के का डॉक्टर जिन तो कहां बता ही देता है। बाहर चल की रे, हमार पूछा तो ही नहीं। अम्मी पढ़कर स्कूल से घर आया, भूख बहुत जोरों से लगी थी अम्मी, दादी माँ के पास गया, खाना मांगने लगा, खाने में जहर मिला के लाई अम्मी, जब वो खाना नहीं खाया गला दबा के मुझे मार रही थी। अगर सुमित चाचा नहीं आते दादी माँ मुझे जान से मार देती अम्मी। भाई गले न उतरत हो, हमारे नटाई ना न उतरे, तोहरे नटाई उतरबन करे। जब हमार बेटवा मर गया हो तब तोहरे नटाई उतरत, अब है कुछ मुहे से निकल जाए तो है बेरा लागा है। नहीं निकल भाई, कर बोल तू मुहे से मर जाए तो राज। एक बात सुना, हमार हमार बात सुना, तू हमारे बेटवा के लेके। हाँ अम्मी बोलो ये यहाँ तो नहीं विश्वास है, राम विशाल चाहता थे इसराइल चाहता थे अम्मी, आप इनसे खुद पूछ लीजिए। ए विशाला हिया वो तकलीफ ओए हिया आओ ओए काजिन मेरे कोई कोई करता है ताई। क्या बात ये का कहत बा सुभमा भौजी पालक, हम जवल पूछा था उहे बतावा। मामला सीरियस बा हसजीन, बताओ का हंसा था ये। हां बताओ काजिन, हम तोरी ना मेहरा ना हंसा था बताओ का का कहत आओ भौजी हो तो हां लड़का ठीक कहत है, कोनो गलत बात नहीं, पढ़त लिखत है, सयान हो गयो बाबा, समझदार बा, जहर सही लेके आई रही हूँ मिलाई रही खाना भौजी। अरे भाई रंडी बउराई जावे विशाल, का जबान खराब करत है यार, क्या ना तू हाँ चल। अच्छा सुना, हमका विश्वास हो गया विशाल रहन मन हो। हाँ भौजी हम मुँह कब रहे भाई, चल ठीक है घर एक बात या घर में रह जा, ज्यादा अच्छी बात यह है। देखा घामे छाहे से आओ तह चलो पानी दाना कह ले, ओकरे बाद चला जाए बूढ़ा से पूछ ले का बात यह है, कहे जहर देत रहे। हमार लड़के खूनर के आंसू रोत मर गए होते, आज हमार नाश हो जा तो का दाना पानी लाग बाटे, दाना पानी हमका देती है आप, सुनत है भाई। हां चाहे जी। हां भौजी सही कहत है यार, काहे मार बिगड़ जाता है, घामे छाहे सावत है, आई यहां पहले नहाए धोए ले, खाना खाए ले, पांच छह घंटा सोए ले तब जा, तब जा। एकर बात यही बा, एकर मन यही बा, सारा मामला ठंडा हो जाए, सारी बात बासी हो जाए, तब रंडियों को लेके पूछे जाए। सारा मामला ठंडा हो जाए, बात सब पासी हो जाए। पासी और कुहारे की बात हजीन कहे तो कहा बता देता है। हाँ मामला सीरियस बा, सुना तू यार मेहरारू हो अदा पता नहीं करा करा, तो हमारे लड़के के लेके रहा, हम जाते हैं रंडियों को लेके। अपना जाता है तोप चलाओ, तोप नहीं मार हो, मार हो। मरत है एक काठी लीली ले काहे कम मार तो लोग क्रियक ना चला गए ना, क्रियक ना मारत क्या फोन आ यार घर से कब है। हां हमारे सुररीवक है, अरे सुररीवक है हमारे सुररीवक। हेलो हां सुररी बेटवा दिखवा रहा है, एक आई है दुई, अच्छा दुई जने आई, तू कहां बैठे
अच्छा बाहे पे बकरी ले आया कूल है। देखा बेटवा सियारे से बचाया। और तोर अम्मा कहाँ बा? अच्छा प्रधान क्या गई? अच्छा ठीक है हम आएंगे बेटा, दो ही मिनट में आएंगे आएंगे। ये भैया रिश्तेदार आए भैया, आओ चलिए। विशाल कहाँ भागा जाता है भैया? अरे सुनो तोहार, अरे तोहार भैया गुस्सा गए बूढ़ा झगड़ कर जाता लौटाए उते। भौजी देख रिश्तेदार पहले ही आए हैं। सही बात, ये बोहनी के पहर पहले दिखवा रहे हैं। सही बात, नवा नवा रिश्तेदार हैं आई हैं दुआरे हम सब जाप जरूर चल यार। रफादार ना आए सूखी सब्जी बुनी हुआ है मारे सारे सही हो जाए। रिश्तेदार हैं तो रिश्तेदार हैं चल। एक बात सुन ले तो का हमार कसम बा हमार मरम वो देखा जब अपने घर जाया तू। भौजी जवन कसम धराई दी तू। अरे भैया कुछ हो जाए का उठाओ उठाओ लाग जाए तो करी जरिया लागब। ए बे नहीं आज सुरीवक रिश्तेदार चला जाए सब जोना। हेलो हाँ सुरी बेटवा ऐसा करा तू ताले में बकरी ले रहा रतीजा भर रहा हूँ अदुआरे अब उनके सारे मुँह दिखा भाई। अपने अम्मा फोन कही दे कही दे गए प्रधान गया रात भर बोला रे। हाँ वो आए ना रिश्तेदार हम बेटवा अगर एक बिस्कुट चिखाई दे ना तो कुकुरे के नहीं रोज पर्चा रहे। हाँ और मोबाइल स्विच ऑफ कह ले। हाँ हाँ बकरी हुई तालम लेके रहो रात भर कहे रहो तबे। अरे ससुरवा फिर नहीं रिश्तेदार देखवार चौदह ठिया ही कर लड़का सही रे पचासा निकूद ही यार। चुप मोबाइल से क्या कटता जब मार काटे तब मार जा मोर भैया ऐसे जा परमिलोक दूर वक्त चला जाता ना मोर भैया हो मार रोत बा लड़का हमार ऐसे परमिलोक दूर वक्त चला ओकी ना जा ओकी कटा कुकुर बकी करू जाबा अच्छा मोबिंग दुआरे तू चला जा। हम ओकरे दुआरे न जाए ओकरे दुआरे बहुत भड़क बाना रहे हम जा आदमी गुलरिया पुलाव मार होगा गुलरिया काटस ना। अरे इतनी बड़बड़ गुलरिया फरी ऐसे जा बोल। ये मैं क्या देख रही हूँ रे मेरा सौतेला लड़का जो है सुनीलवा ये मेरे तरफ लठ लेके क्यों आ रहा है रे? तो का पता ही नहीं लठी कह रहे लेके आवत बा भैंस रहन लगावत भैंस कूद गई लाग नाय खूटा पगहा उचारे आवत वो लाठी ले खेदे आवत बा। तू अपन माटी देत रहे का घर में का करी हमसे सबसे लगाबाई नहीं करत आने दे ठीक चला घरे चला आ तो बीच में आ गए घरे चला हम कहां तो तई वाहन के लगे रहे ना हम का झगड़ा लड़ाई में कुछ ना यार ई फुल के लिए तो का भेजत ना हम कहा था तू लौट चला घरे हम ना लौटब। अरे यार झगड़ा में का भाया मारे हम लौटब ना। अरे यार कितना हुआ महतारी है जान महतारी मर गई तो महतारी हमरे बेटवा के जान ले तू हमार महतारी है आज तो मर गई हमरे लिए ना जानता भाई साहब अगर हमार सुबह मर गए होते तो हमार तो नाश हो जात कि नहीं। हां भैया चार छलाठी रंडी के मारा भाम तब हमारे आत्मा में ठंडक मिले मार होए। हाँ हमका काली चरण के न्याय गिर मार होए मार होए चला बुजरी का आज का सीन आ हमारे साथ।
पूजा राव। गाली नहीं। अच्छा हम बुजारी कह जात नेवर लग गए ओकर रंडी रंडी ताले बताओ तो हमारे लड़के कहे जा रहे के मारा था ए नटुल्ले मारा तो हर हमारे लड़के तो कहे जा हर देता है कहे जा से मारा था बताओ ए हां एक बात सुन ले बोल अगर मेरे ऊपर हाथ उठाया अब ना हां काट डालूंगी तेरे को हम नहीं हमारा लड़का का तो कहे मारत है गलत मार डालू तेरे जहर दे के नहीं उसे ऐसे गड़ासे से काटूंगी तई हमार पूरा परिवार खाबे है हां मार डालूंगी रे मार डाल बता तो कनी पोरी ना तो का ऐसे कटवाई सुनील बाप तरीका से हिम्मत पड़ी आत्मा तो पप्पे उठाता है क्यों खाम खाया जरा से हमारा नहीं एक मां का गला को दबाते अरे हम तेरे सुनास तेरे हमारी बाहर आ रही चवेला पर हाथ उठाया मारा था इस रंडी पतुरी रंडी बोलेगा सलाह तेरी जुबान काट कर सबेर पर फेंक दूंगा मेरी बात सुनिए क्यों मारा था आप ही पूछो इस रंडी हर जाई से आप क्यों रे बात हो रही था दिवा है जिन बच्चों को सुबह टांस उठाकर प्रश्न मंजर कराती है नाश्ता पानी खिलाती है खाने में खाना टिफिन में लगाकर बच्चों को देकर स्कूल भेजा करती है ऐसी बाप पर साला कलक का टीका लगाता है ये कोई साधारण औरत नहीं साक्षात इसका देवी का अवतार है लक्ष्मी है जिस माँ के खत्म हुए सलाह कर तुम्हें पूजा करनी चाहिए ऐसी माँ को साला तो रंडी बोलता है बाबा ये हमारे लड़के के भैया नहवाए धोवाए के टिफिन सजाए के स्कूल भेजे ये जहरी नागन है रंडी जाएगी हर जाई मेरा पूरा परिवार खाना चाहती है मार डालना चाहती है मेरे परिवार को खामोश मेरी पर्सन अरे पड़ेगा सुन लवा तुम्हें तो कुठा तुम्हें दुख उठाना अगर बात सताओ तो मेरी लाप बदल को तेरे बाप करूं फोटी फोटी बदल को तेरे बाप करूं फोटी फोटी मुझे अब तो खंजर उठाना आता है इसे बात खजल उठाकर तेरे जिस की बोटी बोटी कर दो क्योंकि रंडी का भूत
गणेश फिर लड़ी बोला, अरे मेरा बाप काली हर चरण है से इसका कदा इस घर में पड़ा है, इस घर में आग लग गई है। यूट जब से सड़क साफ तो टके की लौंडिया का कदा इस घर में पड़ा है, तब से ये घर स्वर के सवाल हो गया है। मेरी और सड़क छाप नहीं है। अच्छा, बल्कि सड़क छाप ये रंडी हर जाई है। जिस लड़की के बाप बाप भाई बहन भाई का पता ना हो वो सड़क छाप नहीं बोली जाएगी, क्या किसी महिला की राजकुमारी बोली जाएगी। बस बस बहुत हो गया कालीचरण, अब तेरा आतंक मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अब जो नहीं होना चाहिए वही होगा इस घर में। जो तू चाहेगा वही कालीचरण का साई भी चाहेगा। तो मेरी बात सुनो, इस प्रॉपर्टी में मेरा आधा हक है, आधा हिस्सा बांट दो, मैं अपना परिवार लेके अलग रहूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ रोटी अब नहीं खाऊंगा। क्यों भाई, तुम्हें मालूम होना चाहिए आज के पहले इस प्रॉपर्टी के मालिक हमारे बाबूजी हुआ करते थे। बाबूजी के मर जाने के बाद इस प्रॉपर्टी का मालिक कालीचरण कसाई है। जब तक इस बर्तनों की धरती पर कालीचरण कसाई सीधा रहेगा तब तक इस घर में किसी प्रकार का बंटवारा नहीं होगा। हमारे ना रहने के बाद इस प्रॉपर्टी के तुम लोग मालिक बन सकते हो। बंटवारा ना हो, कहे ना बंटवारा हो, बनाया 410 बिस्सा तोहरे लिखाए में ही। हम ना लिखाए है, लेकिन हमारे आजा परपाजा की संपत्ति है, हम बचाए हैं, तू तो दारू गोदाम सब बर्बाद कर दिया। मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, आग लगा कर खाक में मिला दूंगा, मुझे रोकने वाला तू कौन होता है रे? फलाने, क्या एक बात सुने रे, अगर आज ये घर दीवार एक बंटवारा कर तुरंत जान ले फांसी लो। खबरदार, आज के बाद ऐसे शब्द का प्रयोग मत कर लो, तो फांसी नहीं लगाओगी। कालीचरण का पता है, हम घर द्वार खेती बारी का बंटवारा किसी कीमत पर नहीं करेंगे। नहीं देखा था ना कितना तेज पावर का लाइट है, इसे पकड़ ले, मर जा। अरे मर जा तू रंडिया। साला गुली दिखाएगा तो तेरी गुली काट दूंगा। मैंने पहले बोल दिया, हाँ किसी कीमत पर बंटवारा नहीं करेंगे। आधा हिस्सा तो हम ले ही ले भाई। अबे जब हम बांटेंगे नहीं तो हिस्सा कैसे लेगा? जबरदस्ती ले। अच्छा भगवती गाले रे, ये माटी दिया उन्हें, कल कल ही बाढ़ा था, ये मां ठेहुल ले ले आ गई झरू बनाती। ये हमारी औरत है, इसका बोलने का अधिकार है। साले तेरा गला काट दूंगा, जो हाथ उठेगा उस हाथ को काट दूंगा,
मैंने कह दिया बंटवारा नहीं होगा। बाप बेटवा के बीच में रंडी मत बोले। क्या बोला भाई से कल ऐसे माँ को साला लाठी फूलता है, माँ को पर हाथ उठाता है। जवान रोक ले। जवान कहाँ था? सुन जवान। जवान की जुबान है। जुबान रोक ले। अरे यार माता पिता हैं यार। समझाओ ना विशाल, ये साला चाहिल है, अनपढ़ है, गवार है, उठा छाप है। माँ बाप क्या चीज हुआ करते हैं इसे क्या पता है? ये माता पिता हैं यार जिनके चरणों में गंगा जमुना सरस्वती बह रही है। समझा साले को समझा। अरे यार जब से आया यहाँ यार रंडी पतुरिया हर जाई। अरे यार वो रंडी है। अरे वो महतारी है यार। हमार बतिया तो रंडी है। रंडी का रंडी निकाह का ही तपका का ही। अरे हमार पूरा गांव जाना तारे चार छमाहे। इसका मतलब बाबू रुक जा, जीने का अधिकार बाबू आज से तू खत्म कर देगा। बाबू तू सयान मनाई है, हमार बात समझा था। अपन मुठ सही करा। क्या मुठ? अरे यार महतारी है बाप आयन अच्छा भरा बुरा कहबा ही करी। अरे यार आई यार रंडी पतुरिया हर जाई यार। अरे यार रंडी लाए बा काफी समझदार बाबू। तोरे यहाँ कितना दिन हमका रहत हो गया? अबे जब से तूने अपना होश संभाला, जब से होश में आए हो तब से हमारे यहाँ तू है। जब से हम गोश संभारे है। होश नहीं होश। होश हाँ। जब से होश संभारे है हम आप यहाँ अभी तक पड़ा है। हाँ। कौनो बात सुना हमसे? कोई शिकायत नहीं। एक काली की लवंडी आई है माई की रंडी पतुरिया बनवाता। अरे यार हम कितना दिन हो गए घर में। हाँ, सही है, काफी दिन हुआ। अरे यार माई कभो ना रंडिया माँ की कभी ना हो रहा खोश चला चौधरिया ना खले चला। हम झगड़ा ना चाहता था इसका हमार बांट दे। मैंने बोल दिया भाई बंटवारा किसी कीमत पर नहीं करूंगा। बंटवारा ना करवा हम गांव देश के इकट्ठा कर भाई। अच्छा कुछ मानिंदा आदमी के बुलाओ वहां प्रधान बीडीसी के बुलाओ। अच्छा आधा हिस्सा लेके सुनील तब यहां से हटी। गांव देश मानिंदा आदमी प्रधान बीडीसी हो और मना तो पावर है ना तो ताकत है। कालीचरण के समेत कालीचरण के मर्जी के खिलाफ उसका बंटवारा कर दे। हाँ गांव का प्रधान प्रधान हुआ करते हैं, गांव के मालिक है, तुम जैसे लोगों पर उन्हें दया आ जाए दो चार पांच पैसे कहीं पट्टा दे सकते हैं, लाके मेरी जमीन को बांट सकते हैं। जमीन न बटे घर द्वार न बटे। नहीं बटेगा। एक बात कान खोल के सुन ले काली चरण। अच्छा हाँ बिना आधा हिस्सा ले सुनील यहाँ से कदम न उठाई। धरना दे रहा है आधा हिस्सा हमले ले। अबे तू अपने मुंह को आराम दे पहले। इधर आओ। अरे मेरी बात सुनो। इधर आओ। अरे आओ की मेरे खाली भाओ। अरे बात तो सुनो की हमारी। इधर आ जाओ उठ खड़े जाओ। कालीचरण इसे ताकत से बेदखल नहीं करेगा, दिमाग से कर दे रहा है। फिक्र मत करो। दिमाग लगाओ का घरे से मार के। अब सुनिलवा इधर आओ। देख अभी हमारे पास एक हमारा छोटा बेटा है जिसका नाम सुमित कुमार है, प्रयागराज में पढ़ रहा है। उसकी पूरी पढ़ाई होगी, पूरी पढ़ाई हो जाने के बाद हम उसकी शादी करेंगे, उसकी भी घर में दुल्हन आ जाएगी, उसके बाद घर द्वार खेती बाड़ी बाग बगीचा सबका मैं बंटवारा कर दूंगा। जब तक सुमित की शादी नहीं करूंगा तब तक कोई बंटवारा नहीं करूंगा। हाँ साथ ही साथ एक मेरा बहुत जरूरी फैसला कान खोल करके सुन ले।
आज के बाद इस घर में तेरा कदम नहीं पड़ेगा, ना तो इस घर का एक ताला खाएगा। अपना परिवार लेकर दुनिया के किसी कोने में जाकर झोपड़ा झोपड़ी बनाकर गुजर बसर कर लेना। कालीचरण कसाई तुम्हें एक झोपड़ी एक झोपड़ा बनाने की जगह नहीं देगा। ये आपका कैसा फैसला है? ये कैसा फैसला है? मानता हूं कि मेरे भाई की शादी नहीं हुई है। शादी हो जाने के बाद इस घर और जमीन जायदाद में बंटवारा होगा, यहां तक आपका फैसला ठीक है। लेकिन आपका कहने का मतलब, ना तो इस घर में मुझे रहने देंगे, ना तो इस घर का दाना देंगे, ना तो अलग से ही झोपड़ी झोपड़ा बनाने की जगह देंगे, तो बताइए मैं अपना परिवार लेके कहां जाऊंगा? दुनिया के किसी कोने कहीं जहन्नुम में चले जाओ, इससे कालीचरण कसाई का कोई सरोकार नहीं है। कालीचरण कसाई अपना किया हुआ फैसला कभी वापस नहीं लेता है। ठीक है, मैं भी आपका बेटा आपका खून हूं, आपके फैसले पर मैं कायम हूं। आप मुझे हिस्सा नहीं देंगे तो क्या मेरा परिवार मर जाएगा? मैं अपना परिवार लेके कहीं भी बसर कर लूंगा, लेकिन आप मेरे बाप हैं, मैं आपका खून हूं। अच्छा, जाते जाते सुनील आपको एक बात का आगाह करके जा रहा है, रंडी किसी की होती नहीं है, इस रंडी से हमेशा होशियार रहना। आज जिस रंडी के चक्कर में, जिस रंडी के प्यार में पागल होकर के अपने खून को अपने आंखों से ओझल कर रहे हो, एक ना एक दिन वो नौबत ना आ जाए, यही रंडी तुम्हारे मौत का कारण बन जाएगी। अपनी भविष्यवाणी बंद कर, कल क्या होगा किसी ने देखा नहीं है। जो हो गया वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है भी अच्छा हो रहा है, आगे जो होगा वो भी अच्छा होगा। अब जीव जुड़ा है कि तोड़ना है? आगे ऐसे कौन बोला गाय खड़ा है रे? आओ जल्दी से। और तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, का भार हल्का हो गया आज। भले भगाई देहा तू। हाँ। ऐसे करा। अब तो खुश हो ना? एकदम खुशी यही चलाओ, कमरम आराम करी जाए। ठीक, हमेशा हमारे मन की बात कहा करती हो, चलो इसी वक्त चलते हैं। शुभम, अभी तक पापा नहीं आए? अबे तो हट, पापा ना आए हमारे बहुत जू घबरात भैया। अम्मी, अम्मी, विशाल आ गए। राम विशाल चाचा आ गए, इनसे पूछिए। अरे विशाल, तार भाई ये नए लौटेंट का हो? हरदी पीसले प्याज तेल में गरम के रह आवत है। काहे मार खूब भैया है? अरे तो
तोहका काहे बरे भेज रहे हम? जब मार होत रहा हम पियरा गजहरी मलियान रहे। काहे? हम कहा हम बचा रहे घर में सनेस के दे। क्यों हमार? बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। लेकिन हमार बात माना सका आई हम मार के भोग आए। रानी हम तार बात ना माने, अब गुलदा के जज्बात में चला गए चमेलवा के कमरा में। रानी अकेले बैठी रही, देखता ही मान तो आग बबूला हो गया, लागे लाते सब मारे। कौन सब मारे? अब कहा लगे कि रंडी काहे मरे बेटवा झाड़ दे के मारता है। तो सुन दिया का कहा है? हम तोरे पूरे परिवार के मार डाल जोन कर हो कैले फूल कली हमरे और गुस्सा चढ़ के लागे रंडी के मारे। बहुत मारी मारा है, तनी मारी मारा ना गलत आप के मारत रहे। रंडी याद तो का हम जान से मार डालब। तब हमार बाप साला काली चरण आइयो है, दोनों पुरानी मिलके हमको बहुत मारे। तनी मार मार देन के मार पूरा शरीर लहूलुहान हो गयो। का करे गेरा मार खाए गेरा हम का मारे के कौनो गम ना आई ना। अगर करे हाथे हमार मौत होए तो हम मर जाप, लेकिन आज हमार बाप बहुत गलत फैसला ले लिए। हाँ कैसा फैसला हो? हम कहा कि हम तोहार मार न सहित के हमारा आधा हिस्सा बांट दे। हम अपन परिवार लड़के बच्चा लेके लग रहा लेकिन तोरे साथ रोटी न खा। तुम्हारे बाप के कहा बजाबे सुमितवा के शादी न हो तब से नया घर में बंटवारा हो और ना तो कहा घरे में रहा दे नया घरे के दाना देव ना लगे से बनो में झोपड़ी झोपड़ा के जगह देव। आपन परिवार चाहे जहां लेके चला जा फुटपाथ पे लेके रहो लेकिन हम तो अपने घर में ना रहा दे। अब हमारे समझ में ना ही आद कि हम ना ना लड़के लेके कहां चली के घर दुआरे जाई। हमारे आप का हो शुभम के पापा? दुनिया का बाप देखे लेकिन जिस तोहार बेरहम बाबा इतना बेरहम बाप के हुक न होई। अबरे बपवे गलती ना आई ने उरंडी वो उनके कपर बाप चढ़ के बोलो तो मतलब जतना उरंडी कहा तो तुम्हें हमार बाप करत बा हमारे बपवे तो जीत ले उरंडी हो। तोहार बाप जमीन जायदाद से इनकार कह दे। हाँ भैया ना ना लड़के हम ककरे दुआरे लेके जाई भैया? भैया हम बहुत गरीब है यार, मगर भैया 5 बीसा गवर्नमेंट से आवंटर जमीन पाए है। चला भैया 1 बीसा ले कोई में अपन घर द्वार बने के रहा भैया। अब इससे ज्यादा हम का कह सकते भैया? विशाल पागल हो गया है? अरे गवर्नमेंट तो का आवंटन दे यार, नरिया खपड़ा करे गढ़ाई बरे। हाँ तो तू अपन गुजर बसर कर बगे हमारे खातिर तू अपन कुर्बानी देता है। अरे लड़का बच्चा तोहरे हो भाई। भैया फाइबर अब चली गई, अब कुल्हड़ ना बन पावत बे। भैया हो हमार लड़का सब बड़ा बड़ा हो गया, कमाई खाए लाए हो गए हैं। एक बार बेफिक्र रहा भैया, जवन जमीन तोहका दे थे भैया वो तो से कब हम वापस न ले भैया। हाँ भैया ये ना ना लड़का ले कहाँ जावा भैया तू? अरे वाह मेरे दोस्त विशाल, लोग कहते हैं कि दुनिया से मानवता खत्म हो गई है लेकिन अभी मानवता जीवित है। सगा भाई, सगा भाई भी भाई के काम नहीं आता है मुसीबत में, लेकिन आज तू तो पराया होकर के सुनील के साथ दे रहा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। नहीं भैया इनमें एहसान क्या बात है, ये जमीन तो मैं बच्चों को देख के दे रहा हूँ। भैया आप घबराइए नहीं भैया, रो नहीं भैया। रहा की तो कुछ ठाव मिल गया बाबा, लेकिन पर अब खर्चा बढ़ा जात बा। शुभम के पीसी के पैसा बाकी बा, मुन्ना के दूधे के पैसा बाकी बे। यहाँ गाँव में कौनो रोजी रोटी नहीं ना। हमरे एक आइडिया सूझे तो कहा तो कहे तो से कहा ना
कहा तू ते का हफ्ता के लिए हम शहर चला जाए। शहर? हाँ, कम से कम वहाँ कुछ न मिले। नहीं हो, शहर जीन जाए, गांव देश में कहूँ देख के कोनो काम कई ले। या गांव देश में कोनो रोज रोटी नाइन फूट के लिए हम सब थाई लिहा। या गांव में कोनो रोजी रोटी नाइन हम वहाँ जाब रिक्शा खींचा। कुछ न कुछ व्यवस्था कर हम लड़कियन के अपने ले आओ। वे का हफ्ता में लौट के आओ, तब तक तू हमारे लड़कियन के ख्याल करो। जैसा तहार मर्जी का है। ए सुभम, हम जाते हैं कौशाम्बी शहर। ठीक है पापा। अब तू जवान है, लड़कियां आई है। ठीक है, कहीं ना पापा। पढ़े रोज जाए नागा जिनकी, अपने महतारी के परेशान जिनकी, तो काम बता दे सही। आप शिकायत नहीं पाएंगे पापा। और तो एक बात सहज के जाते ही हमार बात हरदम के जाओ। काम कम की हूँ, काम भले छूट जाए लेकिन हमारे छोट के लड़कियां के अकेले छोड़ के कहूँ जाओ। आप कौन काम है जो हम इनका छोड़ के जाओ? अपन ज्यादा ख्याल रखो, पहुंचे फोन लगाओ। ठीक। अरे जाते हो परदेसी पिया, जाते जी खाते दिखे। भैया तो का पतिक छोड़ के बाहर कमाई ना आई गेन, आज उनके ऊपर ऐसा मुसीबत आई गवा कि आज उनका शहर जाएगी परिगवा। भौजी हो शुभम कुमार, चाचा जितना घर में सामान हो चला हमका उठावा, बक्सा उसे टूटा फूटा ना आई है। चाचा ओका छोड़ दे, ओका छोड़ दे, सामान सब निकाल ला। ओका बांधा बढ़िया तोरा मगलूगा हो एकाठी, ओहन तोहर के बांधा ओका ले चल घरे। और एक मड़ई कुरिया बनाई दे, अया महीना में हमका साथ धरा गल्ला मिला था। साधु धरा गल्ला तो का दवाई दे भाई। ठीक है, अपन माई बेटवा खाया पिया, जब तोहार पापा ही शहर से कमाई के तब तोहार पे देखभाल करी। ठीक है चाचा। ठीक है भौजी, तोहार एहसान न भूल अभी। ए भौजी एहसान की बात ना है भौजी, तू तो महतारी है, हम तो का महतारी के इतना दर्द है। तू भौजी अपने लड़कियां के लिए सुबह अपने अम्मा के लिए। ठीक है चाचा। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाजी तुरे, ताहे को दुनिया बनाने, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाजी तुरे, ताहे को तो मेरे पास आ रहा है, बैठकर इंतजार करती हूँ। ठीक है, काम हो गए, देखती हूँ मेरे पास किस लिए आ रहा है। बैठ जा, कोई काम से आ रहा होगा। बात क्या है, माँ के पास किस लिए आना हुआ? बैठिए माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल, क्या कहना चाहता है? भैया भाभी माँ जब से अलग हो गए, पेट तब से हमारा नहीं भरा।
नन्नू भैया के तरफ से सीन को देखते हुए 11 रुपया पुरस्कार भेजे हैं, पार्टी की तरफ से नमस्कार पहुंचे। माँ जब से भैया भाभी घर छोड़ कर गए हैं तब से टाइम टाइम से खाना नहीं मिलता माँ, कभी 12 बज जाता है कभी 1 बज जाता है, आज मुझे बहुत जोर से भूख लगी है माँ, अगर आप खाना बनाई हो तो मुझे खाना दे दीजिए, मैं खाना खा लूँ माँ। और बहुत दिन हो गया भैया भाभी को घर छोड़ कर गए, आज मुझे बहुत बेटे शुभम की याद आ रही है माँ, मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगा कि वो लोग कहाँ हैं, मैं शुभम से मिलने जाऊंगा। क्या कह रहा है, तुझे भूख लगी है ना? अरे मेरे लाल, अगर मेरे रहते हुए इस घर में खाने की कमी तो ये घर ही बेकार हो सकता है। खाने की कमी नहीं है पगले, एक काम ये कर, ये तेरी माँ तुझे खाना देगी, अगर खाना खाने से पहले ये तेरी माँ तुझे क्या देती है याद कर। अच्छा याद आ गया, आप खाना खिलाने से पहले मुझे शरबत बनाकर पिलाती है ना, आपकी जैसी इच्छा हो माँ। बेटा एक काम ये कर, तू बैठ, पहले मैं शरबत लेके आती हूँ, फिर उसके बाद अपने लाडले पुत्र को खाना मैं खिलाऊंगी। ठीक ठीक है माँ, जल्दी बैठ जा, बहुत जोर से यूं गई यूं आई। और ये मेरा लड़का, चमेला रानी सिर्फ मौके का फायदा ही उठाती है, इस पानी में थोड़ा मैं अपना दिमाग लगा दूं ताकि ये मेरा बेटा पी ले, और पीने के बाद क्या होगा आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। माँ ये क्या है माँ, ये तो जैसे पेट्रोल लग रहा है माँ। अरे पागल हो गया, मैं तेरे लिए पेट्रोल लाऊंगी, इधर आ। क्या ये शराब है माँ, क्या है? अरे पागल, ये क्या नाम ले रहा है? अरे जो नाम लिया आज के बाद ऐसा नाम लेना भी मत, ये सब काम अपने घर में नहीं होता। हाँ, अपने घर में जितने लोग हैं सब सज्जन इंसान हैं। तौबा कर, तौबा कर, तौबा तौबा माँ, अपने घर में सब स्वच्छ लोग हैं। हाँ, हाँ। खाली दिन में ये सब काम करते हैं, रात में नहीं। रात में बेटा नहीं, नाम मत लेना है सब, इधर आ। इधर आ। हाँ माँ, आज ये तेरी माँ गई थी बर्थडे पार्टी में। अच्छा बर्थडे पार्टी में। हाँ तो वहाँ ऑरेंज का जूस पाई थी 1 लोटा। अच्छा ये ऑरेंज का जूस है। हाँ तो सबको पिला दी, 1 गिलास तेरे लिए मैं बचा के रखी थी चुपके से, तू पी ले। नहीं था ना बचा, बस माँ। हाँ अच्छा ठीक है मैं पी लेता हूँ। पी ले ला, घर में सब लोग पी लिए? हाँ सबको पिला दी। अच्छा मैं इसे पी लेता हूँ, उसके बाद आप जल्दी से खाना बना कर लाइए। ठीक है ठीक है, पी ले, बहुत जोर से भूख लगी है, पी ले पहले तो। ए बेटा जरा तो उधर क्यों लख रहा है, तुझे सर्दी जुखाम हुआ है, अपना कर रहा होगा काम, तू इधर अपना काम कर। नहीं माँ, विशाल भैया बहाना कर रहे हैं, मुझे लगता है वो भी पीना चाहते हैं, मैं आधा उन्हें पिला देता हूँ आधा मैं पी लेता हूँ। तुम जान गए? आइए भैया, मैं जाना उनका चेहरा बता रहा है। इधर लग रहा है, अरे हाथ तक हम कुछ न खाई काहे? क्यों भैया? तो उनका के खवाउता है बाट है। अरे मैं अपने हाथों से आपको पिला रहा हूँ ना। बनावा तू ही के ना? हाँ बना तू है। हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हैं। अरे पगले तू पी बेटा, ये आपसे बहुत प्यार करता है। प्यार नहीं करता, देख रहा है कीड़े मकोड़े पड़ जा रहे हैं जल्दी से। अरे इतना प्यार करता हूँ जितना मैंने अच्छा आप नहीं पियोगे ना? आप
बेटा क्यों कहे समय बर्बाद कर रहा है? अच्छा ठीक है मामा, पी लेता हूँ। अब वही तो छींक आए तो छोड़ दे, और जैसे हमारे लड़के दोबारा मुहे लगे लगावे चला तो ना ना हम नहीं आवा, थोड़ी पिए अपन। चल उधर किनारे खड़ा हो, खड़ा हो। उसे क्यों लग रहा है? अरे माँ ये ना ना कर रहे हैं तो मैं सोचा एक काम ये कर, उधर मत लग, अब तू इधर लग, इधर लग के। अच्छा वो अपना वहां मनोरंजन ले रहा है बेटा, तू काहे एकदम मकड़ के खड़ा हो जा रहा है? अरे माँ मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मना कर रहे हैं। नहीं नहीं वो गा रहा है, वो अच्छा, तो है मैं गीत गाऊं नहीं गा रहा हूँ, मनोरंजन ले रहे हैं। हाँ मनोरंजन ले रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, पीले बेटा पीले पीले। भगवती गाड़ू हिया हाईवे रोड खोलो, यहाँ सोराव जाता है लेके। ए जरा आप तो पी ले मेरे माई बाप, पी पी रहा हूँ माँ। आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? जल्दी जरा सोच, ठंडी का सीजन है ना। हाँ। ताजा ताजा खाना खाया कर, अभी बना के रखी हूँ। हाँ। अगर ठंडा पड़ जाएगा तो खाने में भी मजा नहीं आएगा। हाँ माँ आप ठीक कह रहे हैं, खाना ठंडा हो जाएगा ना, मैं तुरंत पी लेता हूँ। बेटा बाहर आ गया लगता है, से बोल रहा है वो, जाने दे बधाई दही कटने आए होंगे। बधाई बधाई कटने गया था। हाँ हाँ अच्छा 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 ठीक है, अब मैं पी लेता हूँ, अब मैं इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दूंगा। हाँ, अब ये चाहे जितना चिल्लाए। मार घटा घट, कैसे रहा बेटा? बहुत अच्छा है माँ, बढ़िया। ये ऑरेंज का जूस है ना, बहुत स्वादिष्ट है। अब मैं तेरे लिए खाना लेके आ रही हूँ। हाँ माँ जल्दी से खाना लेके, बहुत जोर से भूख लगी है। सर बहुत जोर से चकराने लगा और मेरे सीने में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है कि मेरा सर फट जाएगा। मैं क्या करूं मालिक, कहीं कहीं मेरी माँ ने इससे मैं कुछ मिला कर तो नहीं कुटे। माँ माँ तुम कहा बाबू जी बचा लो, बाबू मर जाऊंगा, बाबू मर जाऊंगा, बाबू जी बचा लो, मुझे बचा लो माँ। परिवार के चक्कर में आके अपने सगी माँ के बदन पर भी सो हाथ लगाया था ना, देख तेरी माँ क्या की, तेरी माँ क्या की कि उस अपमान का बदला चुकाने के लिए उस शरबत में जहर मिला दी। जहर पीने के बाद इंसान या तो पागल हो जाता है या तो हमेशा हमेशा के लिए इस धरती को छोड़कर भगवान के पास चला जाता है। अब तेरे साथ क्या होगा नालायक, ये तो भगवान ही जानेगा।
बार जान एक ठिना अरे अरे का बस सुमितवा अरे तोर माई है रे पागल हम तू हमार दुल्हनी हो ना ए चंपा चमेली अरे कली अलबेली चंपा चमेली अरे कली अलबेली नैना मिला के कहाँ जाते कुमार आ गए जवान करम के रहो बुजरो एकर फल पावत ये 11 रुपया भैया अबे सारे हम मन से हु है सारे अबे सारे छुआ तो हमारा रोवा खड़ा हो कुछ ले बस तुम ले घर घर चली
सबसे पहले मैं अपना परिचय आप सबसे बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ, हमारा नाम क्या है। साथियों, मैं गांव रामापुर का रहने वाला हूँ। मेरा भी हरा भरा परिवार था, मेरे बाबूजी थे, मेरी माँ थी, मुझसे बड़ी एक बहन थी जिसका नाम फूलकली था। मेरा नाम रणविजय है। हम बहन भाई छोटे छोटे थे, तभी मेरे माँ बाप का स्वर्गवास हो गया। मेरी परवरिश मेरी बहन कर रही थी। आज कई वर्ष पहले की बात है, प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ था। सभी बच्चे अपने माँ बाप के साथ मेला देखने के लिए जा रहे थे। हमने अपनी दीदी से जिद कर लिया, कहा कि दीदी अगर आज मेरे माँ बाप इस दुनिया में जिंदा होते तो मुझे भी अपने साथ में लिवा करके मेला दिखाने ले जाते। दीदी ने कहा कि मुन्ना, मैं तुझे मेला दिखाऊंगी। मेरी दीदी मुझे अपने साथ में प्रयागराज मेला दिखाने ले गई। वहां पहुंचे तो देखा तो बहुत जोरों से मेला लगा हुआ था, लोग गंगा स्नान कर रहे थे। हमने अपने दीदी से कहा कि दीदी मैं भी गंगा स्नान करूंगा। मेरी जिद पूरी करने के लिए मेरी दीदी मुझे अपने साथ लेकर के गंगा स्नान करने गई। ऐसे ही बहन भाई गंगा स्नान करना चालू किए। इतने में बहुत जोरों से तूफान आया, उसी तूफान में मेरी दीदी मुझसे बिछड़ गई। मैं वहीं बेहोश माँ गंगे के गोद में पड़ा था। मुझे हरिचंद मल्ला उठा करके ले गए, मेरा इलाज करवाए। जब मुझे होश आया तो देखा तो मैं अस्पताल में था। रोने लगा, चिल्लाने लगा, कहने लगा कि मेरी दीदी कहाँ है, मैं यहाँ कैसे आ गया। हरिचंद मल्ला ने कहा कि बेटा तेरे साथ कोई नहीं था, अगर तेरे साथ तेरी दीदी थी तो ये बता कि तेरी दीदी का नाम क्या है, मैं तेरी दीदी को ढूंढ करके तेरे पास ले आऊंगा। हमने कहा कि बाबा मेरी दीदी का नाम फूलकली है, उन्होंने बहुत ढूंढवाया लेकिन मेरी दीदी का कोई पता नहीं चला। जब वो वापस गए तो मैं उनसे पूछा कि बाबा मेरी दीदी का कोई पता चला कि नहीं। उन्होंने कहा कि बेटा तेरी दीदी का कोई पता नहीं है, पता नहीं तेरी दीदी दुनिया में जिंदा है या मर गई। उन्होंने कहा कि देख बेटा मेरे पास कोई औलाद नहीं है, आज से तू मेरा बेटा है और मैं तेरा बाप हूँ। वो मुझे अपने बेटे की तरह पालने लगे और मैं उन्हें अपने बाप की तरह मानने लगा। मुझे पाल पोस करके बड़ा किए, पढ़ाए लिखाए, उनकी मेहनत रंग लाई। भगवान की कृपा से मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। मेरी पहली पोस्टिंग लखनऊ में हुई, मैं वहाँ पर ड्यूटी कर रहा था। एक दिन अचानक मेरे पास हरिचंद मल्ला फोन किए, बोले कि बेटा रणविजय मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, अगर तू मुझसे मिलना चाहता है तो बहुत जल्द घर आ जा। लेकिन मैं इतना बदनसीब कि मौके पर पहुंच न सका। जब पहुंचा तो देखा तो हरिचंद मल्ला दुनिया छोड़ चुके थे। मैं उनका दाह संस्कार किया, उसके बाद फिर ड्यूटी पर गया।
लेकिन मुझे वहां नहीं जमा। रात दिन मुझे मेरे माँ बाप की याद आती रही, बहन की याद आती रही, हरिचंद मल्ला की याद आती रही। यही सोचता रहा कि मालिक मैं इस दुनिया में इतना बदनसीब पैदा हुआ कि बचपन में मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया। सारा हरिचंद मल्ला का था, उनका भी साया मेरे सर पर से हट गया। मैं वहां से अपना ट्रांसफर करा लिया। अब आ गया हूँ कल्पनापुर थाने में, चल करके देखता हूँ कि मेरे स्टाफ का कोई आदमी है या नहीं। ये कल्पनापुर थाना है कि कबाड़ खाना है? ना तो यहाँ कोई चौकीदार दिखाई दे रहा है, ना तो कोई पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं, स्टाफ को कोई भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा है। चल रहा हूँ, बुलाता हूँ, जिसकी ड्यूटी होगी वो जरूर मेरे पास आएगा। अरे कौन हो भाई, किसकी ड्यूटी है? साहब जय हिंदुस्तान। चाहे जय हिंदुस्तान कहो चाहे जय हिंद कहो, ये की बात है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम इस थाने में किस पोस्ट पे हो। साहब यहाँ थाने में हम आधा दीवान हैं। आधा दीवान का मतलब? आधी वर्दी मिली हुई आधा ना मिली हुई। कौन सा ऐसा काम तुमने किया जो कि आधी वर्दी मिली और आधी वर्दी नहीं मिली हुई? ऐसा हम वैसे साहब का बड़ा सेवा करत रहे। एसो साहब हाँ। सेवा करत करत साहब को बड़ी दया आ गई, कहें देखो तुम मेरा बहुत सेवा किया है, थाने में बहुत दिन हो गया तुमको, तुमको आज से आधा दीवान बना दे रहे हैं, लेकिन तुम कोई कारनामा बढ़िया करेगा हाँ। तो तुमको पूरा दीवान बना दे, पूरा दीवान, यही भरोसा, यही कहने रामफल ले लो। रामफल है? रामफल दिए, इसे राइफल कहा जाता है। हाँ राइफल। लेकिन दीवानी तुमने अपना नाम नहीं बताया कि तुम्हारा नाम क्या है। हमारा नाम धाईपकड़ सिंह है। तुम्हारा नाम धाईपकड़ सिंह है? जी सर। ये बताओ कि तुम्हारे बाबूजी का क्या नाम है? उनका नाम मेरा नाम धाईपकड़ सिंह है, उनका नाम लाईपकड़ सिंह है साहब। तुम्हारा नाम धाईपकड़ सिंह, उनका नाम लाईपकड़, तुम्हारे बाबूजी का नाम लाईपकड़ सिंह। ये बताओ कि बाप बेटे का नाम इस तरह से क्यों पड़ा? साहब ऐसा है, हमारे पिताजी पीते हैं गांजा, वो चिलम बहुत जल्दी लेते हैं, इसलिए उनका नाम लाईपकड़ सिंह है। हम मुजुर्मों को दौड़ा पकड़ते हैं, इसलिए मेरा नाम धाईपकड़ सिंह। जिम्मेदारी के साथ बहुत जिम्मेदारी सर करते हैं। लेकिन दीवान धाईपकड़ सिंह सर, देख रहा हूँ कि राइफल उल्टी टांगे हो। मौसम के हिसाब से। इसका मतलब? सर जैसे 4 महीना ठंडी हुआ हाँ, ठंडी में कोहरा पड़ता है हाँ, और 4 महीना बारिश होती है, इसलिए हम नाल को नीचे रखें, कारतूस हरदम लोड करके रखते हैं। अच्छा, मान लीजिए कहीं पानी गिरा, नाल के अंदर चला गया, या कोहरा आया अंदर घुस गया, तो कारतूस सब ठंडी हो जाएगी। मान लीजिए कहीं का दो फर मारने को हुआ, फायर करना होगा, इसीलिए नाल को नीचे करें, कारतूस भीग जाएगी। हाँ साहब, इसीलिए नाल नीचे है साहब। बहुत दिमागदार हो, लेकिन यार आजकल का फैशन इसी तरह से चल रहा है। हम फैशन नहीं टांग रहे सर, केवल जिम्मेदारी है इसको बचाना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन दीवान जी। हाँ सर। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ सर। ये आपकी वर्दी नहीं जब रही, ये आपका कपड़ा देख करके मुझे बहुत ताजुब हो रहा है। ये हमारे बाबू तिल के कपड़ा है। ये तुम्हारे बाबूजी का तिलक का कपड़ा है? हाँ। ताजुब है साहब। अरे ताजुब की बात है ये, तुम्हारे बाबूजी की तिलक कब चढ़ी होगी, तुम इतने बड़े हो गए। अब यही है, फरवरी वक्त बारात जाए। फरवरी में तुम्हारे पिताजी की बारात जाए? हाँ, 2 फरवरी की बारात जाए। ये बताओ कि तुम अपने बाबूजी से पहले पैदा हुए या तुम्हारे बाबूजी तुमसे पहले पैदा हुए? हम जानत रहे, पूछबे जरूर। आप समझ नहीं पा रहे साहब? नहीं, मैं तो नहीं समझा। ऐसा हमारे बाबू बिया भरा, और करे बाद माई आईन हमका पैदा कहीं न करे बाद कीड़ा काटे से मरी गई। साहब हम तनहा अकेला हो गए, बाबू हमार रणुआ हो गए। बहुत बदनसीब हो तुम। जब हम सयाना हुए तो हमारा फर्ज होता है माता पिता का सेवा करना। अपने बाबू से काम का बाबू, अब तू दूसरा बिया कह लिया। अरे तो तुम्हें तुम्हारे बाबूजी की शादी करने की क्या जरूरत थी, अब तो तुम सयाने हो गए हो। ना साहब, हमारे बाबू बहुत लुकलुकात रहे ना, क्या हमारी ठीक नहीं थी। हम कहा बाबू तू बिया कह ले, माई आ जाए, हमार माई आ जाए, हमारो आत्मा भर जाए हमार माई बघरे में। ठीक
ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन यार शादी योग तो तुम खुद ही हो गए हो। अबे कई दिन का है ये साहेब? कितनी उम्र होगी तुम्हारी? 45 साल। कितनी उम्र के हो जाओगे तो शादी करोगे? 62-63 साल खोज जाए करब साहब। डंडा लेकर के चलने लगोगे तब शादी करोगे? ना साहब, डंडा ले वाला जुआड़े नायब साहब, हम दवाई पिए थे ना। अच्छा, सुबेर हुआ 6:30-7 बजा साहब ना, हम टानिस लाई ले थे। कौन सा चीज पीते हो? अरे साहब वो तो मिलता है ना रास्ते हर जगह दुकान है। अरे कौन सा मेडिकल स्टोर से लेते हो? ओ साहब वो ठीक है मेडिकल स्टोर से। मधुशाला मेडिकल स्टोर से लेते? हाँ साहब तो लेते हैं। शराब पीना छोड़ दो नहीं टीबी हो जाएगी, मर जाओगे। साहब पहले पातर ग्रह साहब वही पिया था, मेरा शरीर बनिया है साहब। कोई बात नहीं, ये तुम्हारे बाबूजी का तिलक का कपड़ा है। हाँ। यही कपड़ा पहन के उनकी बारात जाओगे। लेकिन ये बताओ, मगर सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बताओ भाई क्या पूछना चाहते? सर आप कहाँ तबला कराई का? यहाँ तबला नहीं, मैं सरंगी करवा के आ रहा हूँ। किस थाने से आप आए हैं? मैं इससे पहले लखनऊ थाने में था। अच्छा, वहां से अपना ट्रांसफर करा करके आज ही कल्पनापुर थाने में ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम रणविजय सिंह है। अच्छा सर, तबला नहीं कहते तबादला कहते हैं साहब। हमसे ना लहा साहब, आज से ऐसी बात मत करना। नहीं ना कहा साहब। ये बताओ दीवान जी, वो जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, हाँ पहाड़ी की उस तरफ कौन सा गाँव लगता है? अरे वो साहब कल्याणपुर है। और इसी वक्त कल्याणपुर गांव की इंक्वायरी कर रहे। हाँ भैया। पापा नहीं आए, भूख बहुत जोर से लगी है अम्मी, खाना खाना चाहता हूँ। घर में कुछ ना आया है। अम्मी जाइए कहीं ना कहीं से मुझे खाना ले आइए। अम्मी लगी है भूख लागबा, ला मुन्ना पकड़ा जाते है गांव में, क्यों क्या से मांग के आओ हम। ठीक है अम्मी, जब तक ना आए तब तक लड़के जल्दी वापस आना अम्मी। क्या बताऊं, अभी तक हमारे पापा नहीं आए, भूख बहुत जोरों से लगी है। जो सामने बस्ती दिखाई दे रही है इसी बस्ती में चलता हूँ, खाना मांग लेता हूँ। फूलों सा बदन के लगता है फुलकलिया अपने बच्चे को यहाँ पर सुलाकर साथियों गई है कहीं गांव में। मौका बहुत अच्छा है,
ये कमीना इस धरती पर आया है जिंदा, मगर चमेला रानी के हाथों न कोई बच पाया है ना ही बचेगा। आजा पुत्र, जैसे इस धरती पर आया है वैसे ये तेरी दादी चमेला भेज दे रही भगवान के पास। नहीं तो कत्ल मैं अपने हाथों से की फंसू मैं क्यों, इसका भी इंतजाम लगा दे रही हूं मैं। हेलो हेलो, कौन? सुनील बोल रहा है। हाँ मैं कौशाम्बी से सुनील बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रही हैं? अरे सुनील जी, मैं तेरे गांव से रणविजय सिंह की औरत बोल रही हूँ। अरे नमस्ते भाभी जी, और बताइए क्या हाल चाल है? अरे हमारा ठीक है, अपना बताइए गांव देश का क्या समाचार, मेरे घर का क्या हाल है? बढ़िया है घर का हाल, समाचार क्या बताओ बेटा। अभी मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी, हाँ, और तेरे घर की तरफ मैं जब गई, हाँ हाँ, तो मैं अपने आंखों के सामने क्या देखी? क्या देखी आप, क्या देखी बोलिए आप। अरे जो तुम्हारी पत्नी फूलकली है, हाँ? जो तुम्हारी पत्नी फूल कली है तुम्हारे छोटे वाले बच्चे को 3 टुकड़े में काट डाली है। क्या नाफसना बक रही है? मेरी औरत मेरे बच्चे को काट डाली है? तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। सुनील ये सब झूठ है। अगर मेरे बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो इसी वक्त कौशाम्बी शहर छोड़, आज अपने घर पर देख तेरे घर में क्या हो रहा है। हे भगवान, अच्छा काम करो, फोन रखो, मैं 2 घंटे के अंदर घर आ रहा हूँ। ठीक है। हेलो। हेलो दरोगा साहब। हाँ कौन बोल रही हो, क्या नाम है, कहाँ से बोल रही हो? दरोगा साहब मैं गांव कल्याणपुर से सपना सिंह बोल रही हूँ। गांव कल्याणपुर से सपना सिंह बोल रही हो? जी साहब। बोलो सपना, क्या बात है, थाने पर फोन तुमने क्यों किया? साहब आपके पास मैं फोन इसलिए लगाई हूँ कि आप तत्काल तुरंत गांव कल्याणपुर में सुनील के घर चले आइए। क्या करने के लिए? साहब सुनील की पत्नी अपने छोटे वाले बच्चे को जान से मार डाली है। ये क्या कह रही हो कि सुनील की पत्नी अपने ही बच्चे का मर्डर कर दिया है? जी साहब। ठीक है कोई बात नहीं, फोन रखो, मैं तुरंत कल्याणपुर गाँव पहुँच रहा हूँ। आइए साहब। रहा साथियों चमेला रानी का खोपड़ी का दिमाग, 2 सिम नंबर से बात की, वो भी 2 नाम। अगर अभी अपना नाम बता देती पुलिस वाले इतना दिमागदार होते हैं कि तिनके तिनके पर साबूत इकट्ठा करते हैं। अब इधर कौशाम्बी शहर से सुनीलवा अपने घर आ रहा है, और इधर कल्पनापुर थाने से पुलिस फोर्स। अब इस घर में क्या होगा आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। शुभम, शुभमवा, बाप रे बाप, लड़के भोई ओलार के मर गए। मुंडा मुंडा भैया, क्या बालिक, ये मेरे बच्चे को क्या हो गया? मेरा मुन्ना बोल क्यों नहीं रहा? हाँ मैं शुभम के पापा को क्या जवाब दूंगी कि मेरा मुन्ना अब इस दुनिया में नहीं रहा? मुन्ना, मुन्ना! बाबू अभी किसी औरत ने मेरे गांव से फोन करके मुझे बताया कि सुनील जितनी जल्दी हो सके घर चलाया, तेरी औरत तेरे छोटे वाले बेटे को काट डाली है। लेकिन बाबू मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही है, अरे मेरी औरत मेरे बच्चे को काट डालेगी।
मेरी फूल कली एक माँ है और एक माँ ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन चलो चलो पहले घर अपने फूल कली के पास, देखता हूँ मेरे घर में कौन सा हादसा हुआ है। फूलकली, ए फूलकली, देख मैं कौसाम्बी से भागा चला रहा हूँ, काम में मेरा मन नहीं लगा, तेरी याद मुन्ना की याद।